कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फ्रेंड आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे टाइगर स्वरूप के साथ कैसे फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की भाई, तब जाके ये वाला कॉन्सेप्ट तैयार किया। ठीक है, तो भाई वीडियो के लिए लाइक जरूर करना एंड फ्रेंड अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो क्योंकि फ्रेंड ये बिल्कुल फ्री है एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। तो फ्रेंड इस टाइप फोटो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स वाला ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप इसे वहां से बहुत इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहां पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। देन फ्रेंड आपको यहां पे एडिट फोटो पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड क्या करना है, आपको यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड चूज कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर मैं जितने बैकग्राउंड एंड PNG का यूज़ करूँगा आपको उनकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इन्हें वहाँ से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो, तो टेंशन की बात नहीं है। तो फ्रेंड क्या करना भाई, आपको यहाँ पे साइड में जाना है एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन था एड फोटो वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इस टाइप से। तो फ्रेंड क्या करना है, आपको यहाँ से अपनी वो वाली फोटो चूज कर लेनी है जो कि आपको एडिट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस वाली फोटो को चूज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड क्या करना भाई, आपको इस वाली पोज में अपनी कोई फोटो क्लिक करा लेनी है। ठीक है, अपने भाई से, फ्रेंड से, किसी से भी करा सकते हो। तो फ्रेंड क्या करना है, आपको इस वाली फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना है। ठीक है, तो फ्रेंड किसी भी फोटो का बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको मैं सबसे सिंपल वाली ट्रिक बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो फ्रेंड क्या करना भाई, आपको यहाँ पे साइड में जाना है एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कटआउट वाला। ठीक है, तो भाई आपको यहाँ पे क्लिक कर देना इस टाइप से। तो फ्रेंड आपके सामने भाई कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो आपका यहाँ पे पर्सन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से ऑटोमेटिक आपके बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरीके से इरेज कर देगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये क्लिक करना है एंड आपका बैकग्राउंड यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इरेज हो भी चुका है। तो फ्रेंड्स क्या करना, आपको यहाँ पे जाना है इरेज वाले ऑप्शन पे। ठीक है, एंड फ्रेंड ये रेड वाला इफेक्ट आपको सिर्फ अपनी बॉडी पे रहने देना है। ठीक है, एंड आपके जो भाई फ्रेंड के यहाँ पे जो आ रहा है इफेक्ट, ये वाला है आपको यहाँ से इरेज कर लेना है। ठीक है, मतलब यहाँ से इसे क्लीन कर लेते हैं, तो बस आपको ये रेड वाला इफेक्ट अपनी सिर्फ बॉडी पे रहने देना है। ठीक है, एंड बाकी सारा यहाँ से इरेज कर लेते हैं। देन फ्रेंड क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ से आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से रिमूव हो चुका है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो फ्रेंड क्या करना है, आपको यहाँ पे इस टाइप से बड़ा करना है एंड आपको यहाँ पे इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड ध्यान रहे कि आपको अच्छे से एडजस्ट करना है। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा टाइम लगा आप यहाँ से एडजस्ट करोगे तो उतना ज़्यादा आपकी फ़ोटो अच्छी लगेगी एंड उतनी ज़्यादा आपकी फ़ोटो क्रिएटिव लगेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको भी इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, देन फ्रेंड क्या करना, आपको यहाँ पे इस कैपेसिटी को यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं डिक्रीज। ठीक है, देन फ्रेंड आपको यहाँ पे जाना है इरेज वाले ऑप्शन पे। ठीक है, देन फ्रेंड आपको अपनी फोटो को यहाँ पे जूम करना है एंड आपको यहाँ पे बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट आपको यहाँ से इस टाइप से इरेज कर लेना है। ठीक है, तो अच्छे से इरेज करना ताकि फोटो काफ़ी अच्छी लगे देखने में। ठीक है, तो फ्रेंड इतना करने के बाद आपको यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे फुल कर देना इस टाइप से। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे फिर से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से देखोगे भाई तो ही कर पाओगे। तो फ्रेंड क्या करना, आपको यहाँ पे जाना है टूल वाले ऑप्शन में। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ी शैडो डालनी है। ठीक है, तो फ्रेंड क्या करना, आपको यहाँ पे ब्राइटनेस को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं डिक्रीज। ठीक है, मतलब कम कर लेते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे जाना है इरेज वाले ऑप्शन पे। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे रिस्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ओपेसिटी को यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेना है एंड हार्डनेस को भी थोड़ा कम कर लेते हैं एंड यहाँ पे साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप। ठीक है, तो फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने फोटो को इस टाइप से जूम करना है एंड आपको यहाँ पे इस टाइप से आपको यहाँ पे ब्रश कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शेडो आ जाएगी तो फोटो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी एंड काफ़ी ज़्यादा बिंदास भी लगेगी देखने में, तो मैं यहाँ पे इस टाइप से कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको भी ऐसे करना है इसे। तो फ्रेंड इतना करने के बाद आपको यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा ऐसे डिक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इतना काफ़ी बिंदास लग रहा है देखने में एंड बिल्कुल इलास्टिक लग रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। द फ्रेंड क्या करना है, इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक वाला लुक देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे जाना है एड फोटो पे। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे एक PNG मिलेगा भाई शेडो वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ से ऐड कर लेना है एंड यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, द फ्रेंड क्या करना भाई, आपको यहाँ पे इस टाइप से बड़ा करना है एंड इसे अपना फुल कर लेना है। ठीक है, एंड इसे यहाँ पे नीचे लगा लेंगे तो फोटो काफ़ी क्रिएटिव लगेगी देखने में एंड रियलिस्टिक लगेगी। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है।
फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पिक्सआर्ट वाला काम कंप्लीट हो चुका है, बट फ्रेंड अभी आपकी फोटो बिल्कुल बेकार लग रही है देखने में। तो फ्रेंड क्या करना है, आपको अपनी फोटो को थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करना है, ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा रीटचिंग करेंगे तो फोटो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की लगेगी एंड काफ़ी ज़्यादा बिंदास लगेगी फोटो देखने में। तो फ्रेंड क्या करना है, आपको यहाँ से अपनी फोटो अपने गैलरी में सेव कर लेनी है एंड इसको लाइटरूम ऐप में ओपन कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड क्या करना है, आपको यहाँ पे ड्रॉ वाले टूल पर जाना है, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक कर देना है इस टाइप से। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, एंड यहाँ से कर लेंगे इसे सेव इमेज। तो फ्रेंड इस वाली फोटो को मैं जल्दी से अपने लाइटरूम ऐप में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप मेरी फोटो लाइटरूम में ओपन कर लिया, ठीक है। तो फ्रेंड क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है लाइट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो फ्रेंड बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, क्योंकि कलर ग्रेडिंग सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो फ्रेंड क्या करना, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे जाना है एंड इसको यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे हाईलाइट पे जाना है एंड क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं हम डिक्रीज इस टाइप से, ठीक है। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे शैडो पे जाना है एंड इसको भी यहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे जाना है ब्लैक वाले ऑप्शन पे, ठीक है, एंड इसको यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। एंड आपको यहाँ पे वाइट पे जाना है, तो वाइट यहाँ पे हम छेड़ना नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इसे वन ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। तो फ्रेंड्स क्या करना, आपको यहाँ पे टेम्परेचर को यहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, ठीक है, तो इस टाइप से कर लेते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे वाइब्रेंस को यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड क्या करना भाई, आपको यहाँ पे जाना है साइड में एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देता है इफेक्ट वाला, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे टेक्सचर को यहाँ से थोड़ा इंक्रीज कर लेना है एंड यहाँ पे आपको क्लियरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे तो फोटो काफ़ी क्लियर लगेगी देखने में। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे वैग्निटी पे जाना है एंड यहाँ से थोड़ा सी से डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे फेदर पे जाना है एंड इसको यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे डिटेल पे जाना है एंड तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शार्पनर को इंक्रीज कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप जितने भी शार्पनर को इंक्रीज करोगे तो फ्रेंड आपकी फोटो उतनी ज़्यादा क्लियर आएगी, ठीक है, एंड देखने में काफ़ी बिंदास लेगी। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे रेडियस को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है एंड यहाँ पे क्या करना है, आपको कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑप्टिक पे जाना है एंड यहाँ से आपको दोनों ऑन कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी फोटो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड क्या करना है, आपको अपनी फोटो अपनी गैलरी में सेव कर लेनी है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपको अपनी फोटो को फुल एचडी में अपनी गैलरी में सेव करना है तो फ्रेंड आपको यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है इस टाइप से, ठीक है। एंड क्या करना, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट एज भी जाना है एंड यहाँ से कर लेंगे इसे राइट वाले ऑप्शन में क्लिक, ठीक है। तो फ्रेंड ये वाली फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, वो भी फुल एचडी में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक लगाइए करना, ठीक है। एंड फ्रेंड अगर आपको इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए एंड अगर आप चाहते हो कि मेरी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो फ्रेंड जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूंगा तो फ्रेंड वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी एंड आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।